जैसे ही हम अपने घर आते हैं, हम टीवी चैनल को खोलते हैं, तो ये मीडिया हमें मजबूर कर देती है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। और हमें जो लड़ाई है वो मतभेद की होना चाहिए। अपने पंपलेट डोर टू डोर जाकर के लोगों को दें, उनको समझाएं। हमारा जो ये दो दो करोड़ बीस बीस करोड़ पचास पचास अरब रुपया इलेक्शन में खर्च हो रहा है, ये हमारा ही पैसा है या हम जनता का पैसा है। जो लोग ये ठेकेदारी लेते हैं कि हमारे पास इतना वोट है, हम यहाँ दिला देंगे वो दे, ये एक मिथ्या है। इसे कोई किसी को वोट नहीं दिला पाता है। न रहे हम तो भाई कहेगा कौन। नमस्कार, मैं हूँ नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतापुर के लहरपुर कस्बे में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाज सेवी हसीन अंसारी जी, जिनसे हम नगर निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे और ये जानेंगे कि इनके मुताबिक कस्बे में चेयरमैन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हसीन अंसारी जी न्यूज 9 लाइव टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 9 लाइव टीवी का और आपका मुझे मौका देने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं हसीन जी कि आपके हिसाब से इस कस्बे का चेयरमैन कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी चेयरमैन हमारे कस्बे का हो जी, वो पूरी तरीके से विकास कर सके और जो आम जनता है उसके सभी मानकों पर खरा उतर सके। बाकी जनता खुद ही बहुत समझदार है, वो निर्णय लेने में सक्षम है कि मुझे किसे वोट देना है, किसे सपोर्ट करना है, जनता सब जानती है। और जो लोग ये ठेकेदारी लेते हैं कि हमारे पास इतना वोट है, हम यहाँ दिला देंगे वो दे, ये एक मिथ्या है। इसे कोई किसी को वोट नहीं दिला पाता है, क्योंकि जागरूक जनता है और जो मतदाता है वो पूरी तरीके से जागरूक है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी जनता है वो पूरी तरीके से जो मतदान करे और 100% मतदान करे, और ये सोच कर मतदान करे कि हमें अपना वोट 5 साल के लिए देना है। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी हमारे कस्बे के ही रहने वाले हैं, कि हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए, हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए। हमें आइंदा भी इस बस्ती में रहना है कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, हम भी थक जाएंगे और तुम भी थक जाओगे। तो इस दुश्मनी के सफर को खत्म करना है कि आज तक जो भी हुआ है उसको भुला देना है, और आज से अहद ये कर लें कि दुश्मन को भी दुआ देना है कि इलेक्शन केवल 10 से 15 दिन के लिए है, ये इलेक्शन आया है चला जाएगा। हम दिलों के रिश्तों को न कमजोर करें, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत की जादूगरी ने दिलों के रिश्तों को कमजोर कर दिया है। मैं जिन इंस्टीट्यूशन में काम करता हूं, मैं जहां पे काम करता हूं वहां पे पूरा दिन हमारे साथ ब्राह्मण भी काम करते हैं, हमारे साथ यादव बिरादरी के भी लोग काम करते हैं, हमारे साथ अंसारी समाज के भी काम करते हैं, हमारे साथ खान बिरादरी के भी लोग हैं, गौरी समाज के हैं, वहां पर हम एक साथ मिल करके काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने घर आते हैं, हम टीवी चैनल को खोलते हैं, तो ये मीडिया हमें मजबूर कर देती है। हम ये एक वर्ग विशेष, हमें पता चलता है कि हाँ हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, और उसके बाद हम उल्टी धारा में विपरीत धाराओं में बहना शुरू कर देते हैं। तो सभी जो भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं हाथ जोड़कर हर दर्शक से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को कायम रखना है, इस गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखना है, और हमें जो लड़ाई है वो मतभेद की होना चाहिए। हमारे मतों का भेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारा सिस्टम अलग हो सकता है, हमारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम आज किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दूसरा हमारा साथी हमारे साथ रहने वाला हो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कल हम उससे इतना बैर बना लें कि हम एक साथ बैठ करके खा ना सकें, एक साथ बैठ करके टहल ना सकें। तो मैं सभी नगरवासी का, पूरे जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं अपनी आवाज के माध्यम से उन सारे लोगों से एक मैसेज, एक पैगाम ये पहुंचाना चाहता हूं कि न रहे हम तो भाई कहेगा कौन, न रहे हम तो भाई कहेगा कौन, और न रहे तुम तो भाई लाएंगे कहां से हम। तो दोस्तों,
इस जो ये हमारी एक विचारधारा है, हमारा जो एक अपना सिस्टम है, इसे पूरी तरीके से हमें कायम रखना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जागरूक है, समझदार है, और आप अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, उनको इतना पढ़ा लिखा करके मजबूत बना दीजिए, इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो खुद समझ सकें। जिस तरीके से इलेक्शन आपके अमेरिका के अंदर, बाहर मुल्कों में होते हैं, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज हमारी जो टीनेज की कौम है, जिसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वो पूरे सड़कों के ऊपर या आम तमाम जगह पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करती नजर आती है। उसको सही मॉनिटरिंग होना चाहिए, उसकी जो एक प्रॉपर वे पे काउंसलिंग है होना चाहिए, और काउंसलिंग इस तरीके की होना चाहिए कि हमें बताना चाहिए कि कैसे लड़के हमारे आईएएस बनेंगे, कैसे लड़के हमारे डॉक्टर बनेंगे, कैसे लड़के हमारे इंजीनियर बनेंगे, कैसे लड़के हमारे पायलट बनेंगे, कैसे लड़के हमारे इसरो पे जाकर के विमान उड़ाएंगे। और जो इलेक्शन हो वो उस तरीके से होना चाहिए कि हम टीवी चैनल के माध्यम से, हम रेडियो के माध्यम से, हम समाचार पत्रों के माध्यम से, हम जो एजेंडे हैं हमारे, हम अपने पंपलेट डोर टू डोर जाकर के लोगों को दें, उनको समझाएं। हमारा जो ये 2-2 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 अरब रुपया इलेक्शन में खर्च हो रहा है, ये हमारा ही पैसा है या आम जनता का पैसा है। इस पैसे की बचत होना चाहिए, आपस में इख्तलाफ कम होंगे, आपस में लड़ाइयाँ कम होंगी, आपस में जो दिलों में कुदूरत है ये कम होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश, यही पैगाम देना चाहता हूँ। हसीन जी, जिस तरह से भी आपने बताया कि आज के लोग बहुत ही जागरूक हैं, जी आप समाज सेवी हैं, शिक्षक भी हैं, आप भी कहीं तक जागरूक हैं, तो आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, वो कौन सा ऐसा चेयरमैन होना चाहिए, कौन सा ऐसा आपका प्रतिनिधि होना चाहिए जो आपके बच्चों का ख्याल रख सके और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे? प्रत्याशी ऐसा चुने जो पूरी तरीके से आपके सुख में, आपके दुख में हर समय आसानी से मिल सके। प्रत्याशी ऐसा चुने जो प्रत्याशी आपके नगर का पूरी तरीके से विकास कर सके, आपके नगर की जो भी समस्याएं हैं उसे चुन सके। आप ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो सक्षम हो, जो आपकी बात यहां से ले जा करके ऊपर तक पहुंचा सके। जी हसीन जी, अगला मेरा प्रश्न आपसे, जब आप समाज सेवी हैं, शिक्षक हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, क्या सुनाई देता है, लोगों की जुबान से क्या निकलता है, आपको क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल आपको आपके वहां का क्या कह रहा है? देखिए, मैंने भी आपको बताया कि मेरा एक अपना रूटीन है जी, सुबह उठने का। मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ जो अपना काम है, सुबह उठ करके बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने के बाद जो एग्रीकल्चर मेरा फार्म है उस पे जाना, वहां पर काम करना, उसके बाद रोज मामूल जो है उसी तरीके से अपना खेती पे, अपने स्कूल पे वक्त लगाता हूँ। क्योंकि जब मैं खुद मना कर रहा हूँ आपको उन सारी चीजों से बच्चों को दूर रखने के लिए, तो मैं कैसे बता दूं कि होटलों पे क्या चर्चा हो रही है, कार्यालयों पे क्या चर्चा हो रही है, वहां पे क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ जी, कि जो भी हमारी यूथ है, हमारी जो युवा जनरेशन है, उसको ना कि उस तरफ मोड़ा जाए कि वो अपना टाइम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 10-10 घंटे कहीं खराब करे, उसको पूरी सही मॉनिटरिंग करी जाए। और मॉनिटरिंग आपके कहने का मतलब है जो युवा पीढ़ी है वो पॉलिटिक्स से दूर रहे? नहीं, युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स से नहीं दूर रहे जी, युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स में पढ़ाई करे, जो भी पॉलिटिशियन है उसके पास राजनीति शास्त्र से ग्रेजुएशन करे, राजनीति शास्त्र से पीजी करे, राजनीति शास्त्र से मास्टर डिग्री लेने के बाद पीएचडी करे, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, और जो छोटे छोटे भी इलेक्शन है उसमें अपनी जो जन भावना है, जो जनता की समस्याएं हैं, उसका निराकरण करे। आप सोशल एक्टिविटीज में आइए, लेकिन उसके मैं खिलाफ नहीं हूं कि पूरा दिन आप अपना काम छोड़ करके और किसी के यहाँ या कहीं पे अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका मैं पुरजोर विरोधी हूँ और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। अच्छा, अभी तक जो चेयरमैन हुए आपके कस्बे के, उसमें सबसे बेहतर विकास किसका रहा? देखिए, एक हमारे यहाँ चेयरमैन हुए थे डॉक्टर ताज फारूकी साहब जी, उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर थे, जानते हैं राजीव गांधी जी, जी उन्होंने एक आदर्श नगर पालिकाओं की मीटिंग बुलाई थी दिल्ली के अंदर जी, और दिल्ली में
पूरा एक मास्टर रोल प्लान तैयार किया गया था। उस वक्त मोहसिना किदवाई जी आपकी शहरी विकास मंत्री थी। तो यहाँ लखनऊ से जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि के लिए कम से कम लोग गए थे, उसमें ये डॉक्टर ताज फारूकी साहब गए थे। उन्होंने यहाँ की आदर्श नगर पालिका का पूरा एक प्लान, एक खाका बना करके तैयार किया और तैयार करने के बाद में उसको वहां पर रखा। और उसी को जब उन्होंने रखा, उसके बाद दोबारा वो चेयरमैनी नहीं लड़े यहाँ पे, और फिर ये हमारी आदर्श नगर पालिका बन गई। आदर्श नगर पालिका जब बन गई, उसके बाद चेयरमैन हुए ये जासमीर अंसारी साहब। तो उसी आदर्श नगर पालिका में जब जासमीर अंसारी साहब चेयरमैन हुए, तो पूरा जो रोडों का जाल और जो ये चीजें आप गेट और सब देख रहे हैं, तो ये उसी आदर्श नगर पालिका की देन है और उसी के ऊपर पूरा एक लंबा विकास हुआ यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले अभी हसीन खान थे यहाँ पे जी चेयरमैन जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरीके की बनाई, जो जैसे यहाँ पे उन्होंने ईदगाह जी, ईदगाह का कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक काम करने काम किया कि ईदगाह का रास्ता उन्होंने बना दिया। और वहां पे जो करीब करीब में तमाम सारे ऐसे रास्ते थे जो बंद पड़े रास्ते थे, उस रास्ते को बनाने काम किया। हसीन अंसारी जी, एक मीडिया को लेकर के सवाल मेरे मन में खटक रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि उस पर आपसे बात कर ली जाए जी। ये बताइए कि मीडिया कैसी होनी चाहिए? देखिए, मीडिया नफीस भाई, ये एक चौथा स्तंभ है जी देश का जी। और मीडिया का जो मानी है, ये इधर कुछ वर्षों में तब्दील हुआ जी। वो तब्दील इस वजह से हुआ कि जो चीजें हमें दिखानी चाहिए जी, उन चीजों को शायद हम नहीं दिखाते हैं जी। सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी जी, समझ रहे हैं आप जी, जी कि हमारे युवाओं को किस तरीके से रोजगार मिले जी। नंबर दूसरा मुद्दा है शिक्षा का जी। अभी आप चीन चले जाइए, चीन का एक छोटा सा लड़का जो हाई स्कूल करता है, आठवां पास करता है, उसके बाद उसको करियर उसका तय कर दिया जाता है कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, एमएनआर करेंगे, रुड़की करेंगे, आईआईटी करेंगे, कुछ क्या करेंगे। और हमारे यहाँ का लड़का पीजी कर लेता है जी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन उसको ये तय नहीं होता है कि जिंदगी के की रास्ते किधर है, हमें किस राह पे जाना है। और तीसरा नंबर है स्वास्थ्य कि हमारी जो हेल्थ की तमाम सारी प्रॉब्लम्स है, आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, प्राइवेट सेक्टर में तो तमाम सारे संसाधन है, लेकिन क्या आप इससे पूरी तरीके संतुष्ट हैं कि जो हमारी सरकारी चीजें हैं ये पूरी तरीके से क्या यहाँ पर है? क्या मीडिया उसे दिखाती है? मीडिया दिखा रही है कि यहाँ पे आज करिश्मा कपूर क्या कर रहे हैं, नवाब पटौदी क्या कर रहे हैं, सैफ अली खान क्या कर रहे हैं, करीना, अरे जो जिन चीजों पूरा पूरा दिन आप टीवी डिबेट देखे, उन चीजों पे डिबेट दिखाई जा रही है, जो हमारा युवा भटक रहा है उन चीजों का डिबेट दिखाई जा रही है कि कौन व्यक्ति किस रूप को खड़े होकर पेशाब कर रहा है, कौन व्यक्ति कहां पर खड़ा होकर के कितने टाइम क्या क्या चला। अगर कोई फिल्मी एक्टर टीवी पे दिखाया जा रहा है गुटखा खा रहा है, कहीं आज फिल्मी एक्टर के बेटे की शादी है तो पूरा तीन तीन दिन तक के कि ये दिखाया जाता है कि उसकी डेकोरेशन किसने किया, अरे पता चला अमीषा पटेल का लहंगा किसी ने सिल दिया, अरे उससे हमारी यूथ को क्या फायदा होने वाला है? आप हमें बताइए, अमीषा पटेल का लहंगा किस फैशन डिजाइनर ने सिला, इससे हमारी यूथ का, हमारी जनरेशन का क्या लाभ है? क्या उससे नई जो नस्ल है वो क्या पैगाम ले रही, क्या मकसद है उसका? तो ये हमारे साथ सीतापुर के लहरपुर कस्बे से समाज सेवी हसीन अंसारी जी थे, जो नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि आपका प्रत्याशी और आपका चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो आपकी जन समस्याओं को अपने साथ और अपने हिसाब से समझ सके और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीतापुर से सहयोगी आशीष शर्मा के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज 9 लाइव टीवी सीतापुर।